हेलो एवरीवन, आई डॉक्टर संजय शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। टुडे इज अवर टॉपिक इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मिले मशीन। आज हम मिले मशीन डिज़ाइन करेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम दी हुई है उसका हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, ये अप्रोच भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ प्रॉब्लम्स भी लेकर के उनको सॉल्व करेंगे। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मिले मशीन एंड ऑल दीज पैरामीटर्स। एक बार रिकॉल करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये आपके 6 टपल्स होते हैं, 6 पैरामीटर्स होते हैं किसी भी मशीन को डिजाइन करने के लिए, मिले मशीन के लिए। तो क्यू आपका फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा आपका फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, जो आप इनपुट स्ट्रिंग देंगे उसमें कौन कौन से सिंबल्स होंगे वो आपका बताएगा। जैसे बाइनरी कोई स्ट्रिंग है, बाइनरी सिंबल्स हैं, तो बाइनरी में 0 और 1 ही आएंगे, तो आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो इनपुट में देंगे वो 0 और 1 से ही मिलकर बनी होगी, इसके अलावा उसमें कोई दूसरा सिंबल नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका डेल्टा, कैपिटल डेल्टा, ये इसको हम बोल रहे हैं आउटपुट अल्फाबेट। तो जैसे इनपुट अल्फाबेट था वैसे ही आपका आउटपुट अल्फाबेट होगा, मतलब जो आपने बाइनरी स्ट्रिंग में आपने 0 1 दिया है और आप आउटपुट चाहते हैं कि मुझे वो कैपिटल ए और कैपिटल बी चाहिए, तो ये डेल्टा आपका रिप्रेजेंट करेगा कि आउटपुट अल्फाबेट कौन कौन से होंगे, ए और बी, और इनपुट अल्फाबेट आपने अगर लिए हैं बाइनरी तो 0 1। तो ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं और ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज स्मॉल डेल्टा, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन फंक्शन, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर आपको जाना है तो आपको कैसे ट्रांजिशन करना है वो आपका डेल्टा बताता है, ट्रांजिशन फंक्शन। आउटपुट फंक्शन क्या हुआ कि आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है जब आप कोई पर्टिकुलर इनपुट देते हैं, जैसे 0 1 आपने बाइनरी इनपुट दिया तो आपको आउटपुट क्या चाहिए ये डिसाइड करेगा लैम्डा। नेक्स्ट इज इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट आपकी जहाँ से आपको कोई भी कंप्यूटेशन उस मशीन में स्टार्ट करना होता है। तो ये टॉपिक ही आपका है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिले मशीन। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम लेते हैं और ये प्रॉब्लम ये है कि डिज़ाइन अ मिले मशीन फॉर अ बाइनरी इनपुट सीक्वेंस सच दैट इफ इट हैज अ सब स्ट्रिंग 101 द मशीन आउटपुट इज कैपिटल ए, कॉमा इफ इनपुट हैज सब स्ट्रिंग 110 आउटपुट इज कैपिटल बी, अदरवाइज आउटपुट इज कैपिटल सी। क्या मतलब है इसका? पहले हमें सबसे पहले जब भी आप डिजाइन करेंगे, तो जब भी आप मिले मशीन या बुरे मशीन डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करें कि हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक्चुअली चाहता क्या है, उसमें क्या इनपुट्स दिए हुए हैं और क्या हमें आउटपुट देना है। तो यहाँ पर देखिए 2-3 पैरामीटर आपको दिए हैं। एक तो आपको आउटपुट में ए चाहिए, दूसरा आपको आउटपुट में बी चाहिए और तीसरा आपको आउटपुट में सी चाहिए। तो आपको आउटपुट में बी कब मिलेगा? जब आपकी जो भी इनपुट स्ट्रिंग होगी उसमें जब 101 की सब स्ट्रिंग आपकी कहीं मैच होती है। तो जब भी आपका ये कॉम्बिनेशन फिक्स होता है आपके इनपुट में तो इमीडिएटली 1, 0 और 1, तो ये जो वाला 1 है लास्ट वाला, जैसे ये कॉम्बिनेशन पूरा होगा तो आपको आउटपुट क्या दे देना है? कैपिटल ए। ये आपको ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि पहला 1 मिल गया तो मैंने ए दे दिया, नहीं, आपका कॉम्बिनेशन मैच होना चाहिए कि 101 अगर लास्ट जो भी आप इनपुट स्ट्रिंग प्रोसेस करते हैं उसमें लास्ट में जैसे ही 101 कंप्लीट होता है ये आपकी स्ट्रिंग मैच होती है तो आपको आउटपुट कैपिटल ए देना है। इसी तरीके से अगर आपका इनपुट स्ट्रिंग में ये कॉम्बिनेशन जब भी मिलेगा तो 1 1 0, तो जैसे ही ये 0 मिलेगा तो उस समय आपको आउटपुट कैपिटल बी देना है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 110 अगर आउट इनपुट स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग होती है तो मुझे आउटपुट बी देना है, और इन दोनों के अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन आता है जैसे 1 1 1 या कोई भी जैसे 0, तो यहाँ पर देखिए ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग में आपका कुछ भी नहीं मिल रहा, ना तो 110 ना तो 101 और ना ही 110, इन दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा। तो इसका अल्टीमेटली सॉल्यूशन आउटपुट क्या आएगा? देखिए 0 दिया तो कैपिटल सी, फिर 1 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 दिया तो कैपिटल सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो रहा ए और बी का। अगर मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग इस तरह से दी हुई है, कोई इनपुट स्ट्रिंग है 101 1 1 एंड 0, तो देखिए सबसे पहले मैं ये 1 दूंगा तो आउटपुट मुझे कैपिटल सी देना है क्योंकि अभी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। दूसरा 0 दिया तो मेरे को कैपिटल सी, लेकिन जैसे ही मैंने ये वाला 1 दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा? देखिए ये वाला जो बी दिया, ये वाला जो 1 दिया, थर्ड वाला, थर्ड कैरेक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये होगा कि 101 एक सब स्ट्रिंग मिल गई और सब स्ट्रिंग 101 है तो मुझे आउटपुट क्या देना है, कैपिटल ए। तो आपका आउटपुट किस तरह से होगा, सी सी ए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब वन आया तो अब देखिए ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपका क्या होगा, 011, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है अपना ए और बी का, नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने ये जो वाला वन दिया तो अब आपके लास्ट थ्री डिजिट कौन से हो गए, 111, तो ये भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। अब लास्ट में मैंने जीरो दिया तो देखिए, अब लास्ट में जब मैंने जीरो दिया तो ये कॉम्बिनेशन आपका कौन सा हो रहा है, बी का, ये वन, ये वन और ये वन। तो अब आप यहाँ पर आपको आउटपुट क्या देना है, कैपिटल बी। तो आपने जब ये स्ट्रिंग इनपुट दी तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, सी सी ए सी सी बी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो फर्स्ट ए आया है कैपिटल ए, इसका मतलब है कि आपकी सब स्ट्रिंग जो आपने इनपुट दी थी उसमें ये सब स्ट्रिंग एक बार आई है इसलिए आया, और कैपिटल बी आया है तो ये सब स्ट्रिंग 110 वाली भी आपके इनपुट स्ट्रिंग में एक एक बार आई है। अगर ए और बी एक एक बार आए इसका मतलब एक एक बार आई है। अगर मान लीजिए ए दो बार रिपीट होता है इसका मतलब है कि सब स्ट्रिंग 101 दो बार उसमें रिपीट हुई है। तो चलिए अपन देखते हैं कि इसमें कैसे हम इसको इसकी मूरे मशीन डिजाइन करते हैं। तो देखिए ये आपकी मैंने मूरे मशीन डिजाइन की है। इस मूरे मशीन को अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका सबसे पहले क्यू नॉट स्टेट है ये आपकी इनिशियल स्टेट है। तो यहाँ पर आपको एक एरो ऐसे लगाना होगा। अब आप इसमें मैंने जो पूरा डिजाइन किया हुआ है तो ये डिजाइन आप कैसे करेंगे, आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आपका जो सिग्मा है इनपुट सिंबल वो कौन कौन से हैं, 01, तो 0 और 1। तो आपका इनपुट केवल और केवल हर एक स्टेट पर 01 का होना चाहिए, ये हम पहले इंश्योर कर लें। अब कैसे हम इसको प्रोसीड कैसे करें, तो जब भी आप इस तरह की प्रॉब्लम को डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपको डिजाइड क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये चाहिए, ए और बी हमको इस स्ट्रिंग को मैच करें ऐसा हमें चाहिए, जैसे 101। तो सबसे पहले जितनी भी स्टेट बनानी है ट्रांजिशन करने में केवल और केवल इसके लिए करूँ। तो देखिए Q0 पर मैंने 1 इनपुट दिया, पहला 1, लेफ्ट टू राइट हम स्कैन करेंगे तो पहला 1 दिया तो आउटपुट मैंने सी दे दिया। फिर नेक्स्ट मैंने 0 दिया तो Q1 पर आ गया, तो Q1 पर 0 दिया तो देखिए फिर मैंने आउटपुट सी दे दिया। अब नेक्स्ट मैंने फिर से 1 दिया तो यहाँ पर आपका, यहाँ से आपका आउटपुट क्या मिलना चाहिए, इसका आउटपुट मिलना चाहिए कैपिटल ए। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ से फिर से वापस ट्रांजिशन कर दिया Q1 पर और इसका आउटपुट क्या आ गया, कैपिटल ए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्रोसीड करेंगे और इसको इस तरह से हम डिजाइन, ठीक है। इसी तरीके से हमने इनपुट बी के लिए अगर देखा तो कोई मैंने स्ट्रिंग ली कि 110, तो 110 के लिए देखिए पहला 1 दिया तो आउटपुट सी, फिर मैंने 1 दिया Q1 पर आने के बाद तो सी, और फिर आपका 0 देना है तो 0 देंगे तो फिर ये आउटपुट कैपिटल बी। तो इनके ट्रांजिशन जो हैं आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये ट्रांजिशन आपको डिसाइड करके रखना है कि मैं कैसे प्रोसीड करूं। अब आप ऐसा नहीं था कि 0 दे दिया तो आपने कोई नई स्टेट बना दी, अगर हम एग्जिस्टिंग स्टेट पर ही ट्रांजिशन करके उसके आउटपुट को बिना चेंज किए, रिपीटेशन भी होते हैं तो वो भी आपके उसी पर उसी तरीके से आए जिस तरीके से हमको चाहिए, तो आप उनको एग्जिस्टिंग स्टेट पर ट्रांजिशन कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए एग्जिस्टिंग स्टेट पर हमारा आउटपुट आगे चेंज हो रहा है किसी दूसरी इनपुट स्ट्रिंग लेकर के, तो हम उसको नई स्टेट बना सकते हैं, ये हमारा इसमें ध्यान रखना होता है। तो अब सबसे पहले आपने 110 और 101 दोनों के लिए बना लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि हर एक स्टेट पर 0 और 1 का ट्रांजिशन करें, और 0 1 का ट्रांजिशन करेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ए और बी इनका कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब ना हो, इस तरीके से हम ट्रांजिशन करते जाएं। तो जैसे Q0 था, Q0 इनिशियल है तो Q0 पर 1 का तो ट्रांजिशन हो गया, 0 का नहीं था तो 0 का मैंने यहीं पर लूप लगा दिया। इस पर लूप लगाने से क्या मतलब है कि कोई भी स्ट्रिंग है अगर उसमें केवल और केवल 0 0 है तो इसका आउटपुट तो हमेशा सी आना है ना, इसलिए हमने क्या किया Q0 पर इसको लूप लगा दिया, क्योंकि कोई मतलब नहीं आगे ट्रांजिशन किसी स्टेट पर करने का। तो Q0, अब Q1 पर 0 का ट्रांजिशन हो गया, अगर 1 का ट्रांजिशन करना है तो मैंने यहाँ कर दिया, लेकिन ये भी देखना होगा कि अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 110 ये स्ट्रिंग भी आपकी मैप होना चाहिए। अल्टीमेटली जब आपने ए और बी के दोनों ट्रांजिशन कर दिए तो रिमेनिंग स्टेट्स पर जो आपके ट्रांजिशन है वो आपको इस तरीके से ट्रांजिट करना है कि आपका जो आउटपुट है वो डिस्टर्ब ना हो, जो आपको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, ए और बी का कॉम्बिनेशन कभी मिसमैच नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम मिले मशीन को डिजाइन करते हैं।